आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में भीषण आग लगी है, जिससे आसपास के जगहों में अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक होटल के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको खिड़कियों का कांच तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही अभी राहत बचाव कार्य जारी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची हैं। पुलिस ने अंदर फंसे 18 लोगों को बाहर निकाल लिया है। बता दें, लखनऊ से ये बड़ी घटना सामने आई है। हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित होटल लिवाना में आग लगी है। लखनऊ के लिवाना होटल में आग लगी है। आग लगने से आसपास के जगहों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि होटल के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको खिड़कियों का कांच तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची हैं। पुलिस ने अंदर फंसे 18 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित होटल लिवाना में आग लगी है। होटल के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको खिड़कियों का कांच तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही अभी राहत बचाव कार्य जारी है। बता दें, लखनऊ के होटल लिवाना में आग भीषण आग लगी है। कई लोग अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। राजधानी के लिवाना होटल में भीषण आग लगी है। बता दें, राहत बचाव कार्य जारी है। बता दें, आग लगने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल है। दूसरी ओर बता दें, दूसरी और तीसरी मंजिल पर ज्यादा लोग फंसे होने की जानकारी मिल रही है। बता दें, राजधानी के लिवाना होटल में भी सड़क आग लगी है। कई लोग अंदर फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक वहां फंसे लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 18 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, और अभी कितने लोग फंसे हैं इसकी अभी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर ज्यादा लोगों की फंसे होने की जानकारी मिल रही है। बता दें कि लखनऊ जिला अधिकारी ने बताया कि 10 लोग निकाले जा चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में भीषण आग लगी है। भीषण आग लगने से आसपास के माहौल में अफरा तफरी का माहौल है। देख सकते हैं आप, बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक 18 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। और बता दें कि सीएम योगी सिविल अस्पताल में पहुंचकर घायलों से हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निकांड का सीएम ने संज्ञान लिया है। घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं सीएम ने। लिवाना होटल के अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने संज्ञान लिया है इस मामले का। आपको बता दें, सीएम योगी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं सीएम योगी। बता दें कि इस कांड में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, साथ ही बचाव कार्य भी जारी है। राजधानी के लिवाना होटल में भी सड़क आग लगी है। धुएं से दम घुटने से कई लोग बेहोश हुए हैं। जानकारी के मुताबिक खिड़कियों को तोड़कर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।
बता दें कि सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, घायलों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही 9 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। बता दें लखनऊ के लेवाना होटल में भीषण आग लगी है। होटल के कमरों से धुआं उठने पर मची अफरा तफरी। आसपास के जगहों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें लेवाना होटल में भीषण आग लगी है, जिसमें अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी दी जा रही है। वहीं इस पूरे अग्निकांड का संज्ञान सीएम योगी ने लिया है। सीएम योगी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने, वहीं साथ ही बेहतर इलाज का निर्देश भी दिया है सीएम योगी ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भिवांशु हमसे जुड़ेंगे। भिवांशु, क्या वजह है वहां आग लगने की? आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के लिवाना होटल में आग लगी हुई है, जिसका कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। जो सीएफओ है, जो फायर अफसर सीएफओ विजय कुमार सिंह, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है और आग बुझाने के बाद जांच टीम के स्पष्टीकरण के बाद ये कहना साफ होगा कि आग किस वजह से लगी है। वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जो लखनऊ के सीएमओ है, साथ ही साथ जो सिविल अस्पताल के सीएमएस है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 10 लोगों की हालत गंभीर है, साथ ही 2 लोगों की वॉट डेथ हो गई थी, यानी कि मौके पर ही मौत हो गई थी, उन्हें अस्पताल लाने से पहले उनकी मौत हो गई थी। वही आपको बताएं कि 15 लोगों को भीतर फंसे होने की खबर थी, जिसमें से 5 लोग सही हैं, बाकी 10 लोग अभी उनकी हालत खराब है। वहीं 2 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो 30 कमरे के इस होटल में 18 लोग आज ठहरे हुए थे। और आपको बताएं कि ये आग लगभग 7:30 बजे के करीब लगी, उसके ठीक बाद आसपास के जो स्थानीय लोग थे वो धुआं देखकर और होटल के कर्मचारियों को सूचना दी, जिसके बाद वहां के लोग अलर्ट मोड में आकर और धीरे धीरे आग पर काबू पाने लगे, जिसके ठीक बाद कुछ ही दूरी पर मौजूद फायर ब्रिगेड वहां पहुंचता है और 15 गाड़ियों को लगाया जाता है। साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में फायर फाइटर है वो मौके पर पहुंचकर और आग को काबू में पाने की कोशिश किए और पूरी तरह से अब लगभग पा चुका गया है आग पर काबू। अभी अगर मैं बात करें तो सिविल अस्पताल में जो लोग फंसे हुए थे उनको सिविल अस्पताल में दाखिला कराया गया था, जिसको आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर सिविल अस्पताल में पहुंचकर और जो घायल पीड़ित हैं उनकी स्वास्थ्य जानकारी ले रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो घायलों से मिलने के बाद वो अस्पताल में पहुंचकर उन्हें उचित इलाज का निर्देश भी दिए हैं। वहीं मयूरी आपको बता दें कि होटल की खिड़कियों में लोहे की पट्टियां लगी थी, जिसको तोड़कर अंदर घुसने का रास्ता बनाया गया और लोगों को रेस्क्यू करके सीढ़ी के उस होटल में जो सीढ़ी थी उसके माध्यम के अलावा होटल की खिड़कियों से और हाई सीढ़ी लगाकर लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि जिस भी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया के मुताबिक कमरा नंबर 214 में अभी गेस्ट फंसे हुए हैं। और वहीं आपको बताएं कि तीसरी मंजिल में सबसे ज्यादा आग प्रभावित किया है, जहां धुआं देखने को मिला, आपको विजुअल्स में दिख रहे होंगे। वहीं आपको बताएं कि अभी आग का कारण पता निकल पाया है और कुछ ही समय में जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो दस्तावेजों को वहां के खंगाले के साथ ही साथ वहां की तमाम चीजों को खंगाले, इसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आग कैसे लगी। वहीं आपको बताएं कि वहां का स्टाफ पूरी तरह से सूचना के बाद होटल के आसपास में अफरा तफरी मच गया था, जिसके बाद आपको बताएं कि जब लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें 8 लोगों के नाम भी आ चुके हैं जो लोग अग्निकांड में घायल हैं। बात की जाए तो श्रवण कुमार राज, मोना अंत कौशिक, कामनी आनंद उपाध्याय, चंद्रेश प्रदीप मौर्य, ये लोग अपने काम को लेकर लखनऊ आए थे और आज आपको बताएं कि वो अग्निकांड का शिकार बने हैं, जिसके बाद आपको बताएं कि जो हादसे में लोग फंसे हुए थे वो वहां से जब रेस्क्यू किए जाते हैं उसके ठीक बाद वो कहीं ना कहीं घबराए हुए नजर आ रहे थे। वहीं अगर बताएं तो इस मामले को लेकर अब जो लखनऊ के सांसद हैं, साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री हैं,
उन्होंने भी ट्वीट करके अपनी संवेदना जाहिर की है। साथ ही साथ जो ये अग्निकांड है इसकी जांच की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां जो लिनेज होटल है उसमें तमाम जो कमियां बताई जा रही है कि फायर सेफ्टी को लेकर व्यवस्थाएं ढंग सुचारू ढंग से नहीं थी, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि लिनेज होटल पे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पानी का वहां स्रोत नहीं बनाया गया था। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े जो होटल होते हैं या कोई प्रतिष्ठान होते हैं उसमें पानी की व्यवस्था के लिए वाटर स्टोरेज टैंक बनाई जाती है, मगर जानकारी के मुताबिक लिनेज होटल के अंदर में पानी की टैंक नहीं मिली है और ये एक नामी गिरामी होटल है, तो कहीं ना कहीं लिनेज होटल पे भी गाज गिरते हुए नजर आएगी। जी विभांशु, वहाँ कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, तो क्या इसकी जानकारी है कि वहाँ अभी कितने लोग फंसे हैं या अभी और कितने लोगों को निकाला जा चुका है? जी मयूरी, आपको बता दें कि होटल लिनेज जो है उसमें 30 कमरे का ये होटल है और 18 कमरे उसके बुक थे, जिसमें आपको बताया कि 10 लोगों को सिविल लाया जा चुका है, 2 लोगों की कैजुअल गॉट डेथ हो चुकी थी यानी कि मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी और बाकी के 6 लोगों की अभी सूचना नहीं है, मगर जानकारी के मुताबिक वो उनकी स्वास्थ्य सही है जिसके चलते उन्हें अस्पताल नहीं लाया गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ के जो CMS है GS वाजपेयी, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ उत्तर प्रदेश, वो भी आए हैं। CMS के साथ साथ जो हेल्थ के डायरेक्टर हैं वो भी आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि अब तक उन्होंने पुष्टि किया है कि 10 लोग भर्ती हुए हैं जिसमें 2 लोग की गॉट डेथ हो गई है। वहीं जो लखनऊ के CMO है मनोज अग्रवाल, वही मौके पर पहुंचकर और पूरे मामले को वो देख रहे हैं, साथ ही साथ जो घायल हैं उनके उपचार को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताएं कि जो जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 1 महिला और 1 पुरुष है, दोनों की डेड बॉडी को यहाँ सिविल स्थित मॉर्चरी में रखा गया है, जिसके बाद होटल से संपर्क साध कर अब उनकी पहचान निकाली जाएगी और पहचान के आधार पर उन्हें उनकी बॉडी को उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि घायलों के इलाज के लिए जारी कई लोगों को दी गई थी ऑक्सीजन, तो आपको बताएं कि आज के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर सेफ्टी के जो लोग थे, फायर ब्रिगेड के लोग, उन्होंने ऑक्सीजन की सिलेंडर लगाकर और कमरों के अंदर जाकर लोगों को रेस्क्यू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होटल पुराना है और रियायती इलाकों में है और अगर देखा जाए तो सीढ़ी जो उसकी बनावट है वो बाहर से थी, जिसके चलते जो फायर ब्रिगेड के लोग थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर आपको बताएं कि फायर डिपार्टमेंट के लोग लंबी सीढ़ियों को लगाकर और लोहे की खिड़कियों को तोड़कर और कमरे से लोगों को रेस्क्यू किए हैं। और आपको बताएं कि इसको लेकर जो लिवाना होटल है उसके ठीक बाहर 15 गाड़ी दमकल की लगाई गई थी, साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में फायर फाइटर को लगाए गए, जिनके मेहनत से कहीं ना कहीं जो लोगों की जान बची उसमें कहीं ना कहीं फायर जो फाइटर हैं उनका एक बड़ा योगदान है। वहीं आपको बताएं कि जब आग लगती है तो काले धुएं में पूरा होटल धुआं हो जाता है, धुएं में काले धुएं में छिप जाता है, जिसके बाद आपको बताएं कि आसपास के लोग में अफवाह काफी मचती है, मौके पर थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब आग लगती है तो धुएं के कारण जो ऑक्सीजन की लेवल होती है वो कम हो जाती है, जिसके चलते वहां के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद तमाम लोग अपने सामान उमान को लेकर और खिड़कियों पर बैठ गए और सहायता मांगने लगे, जिसके बाद आप जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा भी मदद किया गया। वहीं अगर देखा जाए तो ये मामला हजरतगंज के सबसे VVIP इलाके का है, जहां तमाम बड़े लोग VVIP लोग वहां जाते हैं और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जो लिवाना होटल है उसमें भी सवाल के घेरे खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो मापदंड है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें जो तमाम देखा जाए तो खासकर गर्मियों के समय में जो अग्निशमन विभाग होता है वो अलर्ट मोड में आकर तमाम प्रतिष्ठानों का जांच करता है, तो कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग पे भी सवाल उठता है, क्योंकि देखा जाए तो नंदनी मयूरी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की NOC के बाद ये होटल चल रहा था, तो आखिर इसमें जब वाटर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, आग लगने की पहले से व्यवस्था नहीं की गई थी कि ऐसे इमरजेंसी के समय में कैसे हैंडल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लिनेज होटल और साथ ही साथ जो अग्निशमन विभाग है कैसे NOC भी, इसके भी सवाल खड़े होते हैं। जी तो विभांशु, होटल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है इस हादसे पर? जी साफ तौर से देखें तो होटल प्रशासन के मैनेजर का साफ तौर से ये कहना है कि ये अनहोनी है, और वहीं अभी मीडिया के सवाल जब पूछे गए कि आखिर फायर सेफ्टी के लेके आपके इंतजाम क्या हैं,
तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं उस सवालों से बचते हुए निकल आए होटल के मैनेजर। वहीं अगर देखा जाए तो जो फायर सेफ्टी की टीम थी उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सीढ़ी थी होटल की वो बाहर से थी, जिसके चलते वो रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं देरी आई, जिसको देखते हुए उन्होंने खिड़की तोड़कर और तमाम जो वहां के लोहे की खिड़कियां होती इनको तोड़कर और सीढ़ियों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं अगर बात किया जाए तो हजरतगंज के इस रियायती इलाके में भी वीआईपी होटल का जो फायर सेफ्टी है वो सबसे बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां मुख्यमंत्री से लेके और देश के रक्षा मंत्री तक इस मामले को संज्ञान में लेकर ट्वीट कर रहे हैं, संवेदना जाहिर कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई की जाती है लेनेज होटल पे, क्योंकि अगर देखें तो अभी जो आग लगने का कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, मगर हवा में बात की जा रही है। ऐसे ही देखा जाए तो लोग आशंका लगा रहे हैं कि फायर सेफ्टी फायर कॉज के चलते यानी कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लग सकती है, मगर जांच के बाद ये कहना साफ होगा कि आग का कारण क्या था। जी मयूरी जी विवांशु, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बता दें कि राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में भीषण आग लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि आग लगने से आसपास के जगहों में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बचाव कार्य अभी भी जारी है। बता दें कि कई लोगों को खिड़कियों का कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। वहीं बता दें कि इस अग्निकांड में दो लोगों की मौत हो गई। बता दें कि राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में भीषण आग लगी है, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी भी बचाव कार्य जारी है, वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता सागर थापा का रुख करेंगे। सागर, वहां कैसा माहौल है, क्या जानकारी है आपके पास? राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में भीषण आग लगी, जिसके बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। बता दें कि अभी भी होटल में कितने लोग फंसे हैं इसकी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर अभी भी ज्यादा संख्या में लोग फंसे हुए हैं। ये है मॉल में बड़ी 10 लोग यहाँ पर लाए गए हैं, 10 में 2 ब्रॉड डेड हैं और 8 यहाँ पर है जो लाए गए जिनको की इंसिडेंट है, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ज़्यादातर कोशिश है उनको कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन ज़्यादा इंजेक्ट कर लिया, उसको जो प्रॉब्लम है वो स्टेबल है, ठीक। सर, प्रेमा फसाई डेथ का कारण क्या, सफोकेशन है क्या है?
लग रहा है। नहीं, ये तो पूरा डिटेल एग्जाम से करने बाद बताया जाएगा, लेकिन ब्रॉड डेट है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर वाजपेयी हूँ, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ लखनऊ डिवीजन। आग किस तरह से लगी थी इस बारे में तो कोई कमेंट करना मुश्किल है, तो फायर डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे। इधर हम लोगों को जैसे ही खबर मिली कि आग लगी है, हम लोगों ने तुरंत वहाँ पे अपने एम्बुलेंसेज और पैरामेडिकल्स और चिकित्सक तैनात कर दिए थे, जिससे मौके पे किसी को इलाज करना हो तो हम लोग तुरंत इलाज दे सकें और यदि किसी को शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर सकें। सुबह ही हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर, आपने देखा होगा साइट के ऊपर बलरामपुर हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं, सिविल हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं और ट्रामा सेंटर की एम्बुलेंसेज हैं। इसके अलावा 108 और ALS एम्बुलेंसेज भी हमारी डिप्लॉयड हैं। मैं पैरामेडिकल और चिकित्सा कर्मियों के यहाँ पे अभी सिविल में भर्ती हो रही हैं और सबका इलाज पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन देख रहा है। सर कितने लोग अस्पताल आए, कितने लोग भर्ती हैं और कितने लोगों की मौत हुई? कुल चिकित्सालय में 10 लोग आए हैं, जिसमें अपुष्ट सूचना है कि एक दो की मृत्यु हुई है, जो कि चिकित्सालय प्रशासन से कभी पुष्ट करा के। बता दें कि लेवाना होटल में भीषण आग लगी है, अग्निकांड का सीएम ने संज्ञान लिया है। आग की वजह बड़ा हादसा बताया जा रहा है। बता दें लेवाना होटल के अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे सागर का। सागर सीएम योगी सिविल अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, जो घायल हुए हैं और जिनकी मौतें हुई है, लगातार पर सरकार लगातार नजर बनाए रखती है। ब्रिजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे, तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने घायलों का हाल जाना। और आपको बता दूं कि तकरीबन सुबह 7:30 बजे की घटना है, लखनऊ का हर जगह एक टॉर्च चलाता है, उससे छोटा नहीं लगाना। यहाँ पर आग लगी, उसमें दमकल कर्मी की लगातार 3 से 5 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। इसके बाद यहाँ पर बचाव कर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घायल लोग हैं यहाँ पर लगातार उन्हें लाया जा रहा है और यहाँ पर उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही है। ये सिविल अस्पताल की बात है, सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मीडिया का हुजूर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तमाम बड़े आला अधिकारी से लेकर बड़े जो मंत्री हैं, विभिन्न पाठक से डिप्टी सीएम से लेकर हर कोई यहाँ पर पहुंचा है। बहुत बड़ी घटना बताई जा रही है लखनऊ की। यहाँ पर कुछ घायल भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और लगातार आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घायल हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। सर्वप्रथम कि देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ स्टाफ के लोग भी और जो यहाँ पर जो यात्री फायदे थे वो भी लोग हैं यहाँ पर, और कुछ लोग हैं यहाँ पर कुछ घायल अवस्था में इस तरह से भी हैं जो बात करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी देखभाल की जा रही है सिविल अस्पताल के द्वारा। बता दूं आपको कि यहाँ पर ब्रिजेश पाठक जो भी मौजूद थे, और उसके बावजूद भी जो लगातार जो सरकार के द्वारा जो देखने को चीजें मिल रही है, सरकार द्वारा जो लगातार चीजें देखने को मिल रही है, आपकी किस तरह से यहाँ पर जो घायल व्यक्ति है यहाँ पर है और सिविल अस्पताल का एमरजेंसी वार्ड है और बहुत बड़ी घटना ये साबित हो रही है और बहुत बड़ी घटना है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे घायल लोग आए हुए हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कर्मचारियों ने बहुत अच्छी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुगम कार्य किया है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे कर्मचारी हैं जो मरीज बात करी है तो ये बताइए क्या हादसा, क्या कारण था हादसे का? सर तो आप ये बताइए, आप कर्मचारी हैं कि आप वहाँ पे यात्री थे? किस तरह से हादसा हुआ, इसका बड़ा होटल है, नाम की होटल है? फिलहाल हम लोगों ने जो काम कर रहा था, अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो रिलैक्स कर रहा हूँ।
देख सकते हैं आप यहाँ पर जो होटल के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो भी यहाँ लाए गए थे। तो व्यवहार इस तरह से उठा कि जो होटल के कर्मचारी से लेकर तमाम लोग थे वहाँ पर, उनका निकलना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी इतने खड़े से हैं और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर उनकी बहुत ही बेहतर भी कोशिश करेंगे। ऐसे हालात हुए हैं कि अचानक से उन्हें यहाँ पर आना पड़ा और कुल मिला के जो जाना होटल है बहुत ही नाम से मंजिल माना जाता है। यहाँ पर लगातार मीडिया का हुकुम जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी तरफ से बात की है और ट्वीट भी किया, राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। साथ ही जो बड़े आला अधिकारी ने देखे तीन सभी के तमाम जो बड़े आला अधिकारी है यहाँ पर पहुंचे थे और किस तरह से जी सागर जानकारी के मुताबिक इस अग्निकांड में दो लोगों की मौत हो गई है, तो इस घटना का सीएम ने संज्ञान लिया, क्या उनके लिए भी कुछ मुआवजे की बात या कुछ कहा गया है? आपको बता दूं कि मुझे ऐलान कर सकता है क्योंकि बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। इससे आपको बता दूं कि पहले भी चार बार में वहां पर भी आग लगी थी, वहां पर दिया गया तो जब विषय बनता है कि होटल में तमाम लोग मंशा होती है सुरक्षित रहें, बात करने की पूरी कोशिश की जाएगी क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो मीडिया कर्मी जाना चाह रहा है कि हाथ की वजह से सागर खबर आ रही है कि बृजेश पाठक भी सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी जी आपको बता दूं कि जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ का दौरा फिलहाल कर चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल है और तमाम लोग हैं यहाँ पर, उन्हें बढ़ा दिया गया, फोर्स बढ़ा दी गई है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिविल अस्पताल मानकों में पूरी तरह से खरा उतरता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि देखिए एक हादसा होता है और लेवाना होटल है, ये बहुत ही चर्चित बहुत बड़ा होटल है और बहुत ही आलीशान होटल है, बहुत ही पॉश इलाके में बना हुआ है और उसके बावजूद इस घटनाओं पे आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी इस होटल की सुरक्षा पे सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से यहाँ पे आग लगी। और ये सबसे बड़ा जांच का विषय बनता है कि किस तरह से होटल में आग लगी और इतनी घटनाएं ऐसी कैसे होगी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। सिविल अस्पताल लाए गए हैं लोग, थोड़ा सा अंदर में जाना पसंद करूंगा तो एक बार फिर से अंदर आए और क्या पता घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। तमाम जो स्टाफ है
सागर, अभी जानकारी के मुताबिक 40-45 लोग की फंसे होने की जानकारी मिल रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे उन्हें बाहर निकाला जा रहा है? जमीन हटने का दुकान की कोशिश करे किस तरह से यहाँ पर जो चीजें अपनी है और सुनने के अच्छे हमारे डॉक्टर्स लगातार डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ नर्स हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गया, लगातार उनकी देखभाल में लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा होटल और उसके बावजूद किस तरह से आग जो लगी, किस तरह से आग लगी और धुएं का जो जुगाड़ उठा, किस तरह से खिड़कियां तोड़कर जो दमकल विभाग को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने निकाला है, उसी तरह से वो इस बार आ चुके हैं कि उनकी जान बच पाई, लेकिन हालांकि सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसमें दो लोगों की मौत हो चुकी। जी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगातार बचाव कार्य जारी है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि अभी भी 40 से 45 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। वहीं तमाम घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है। बता दें कि इस घटना में दो लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। वहीं साथ ही दो लोगों की गंभीर हालत में होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि खिड़कियों का कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि इस घटना का संज्ञान सीएम योगी ने लिया है और घायलों का बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल की घटना है जिसमें भीषण आग लगी, जिसके बाद आसपास के जगहों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी भी होटल की बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। लगातार बचाव कार्य जारी है। बता दें कि होटल के मालिक राहुल अग्रवाल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। होटल में इमरजेंसी एग्जिट का बेहतर इंतजाम नहीं किया गया था। दमकल विभाग ने नोटिस देकर खाना पूर्ति की थी। राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल मनमानी करते रहे। तादे राजधानी के होटल लेवाना में भीषण आग लगी जिसमें कई लोग घायल हो गए और दो लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है।
एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता सागर का। सागर अस्पताल में अभी कितने घायलों को एडमिट कराया गया है और उनकी स्थिति अभी कैसी है? यहाँ पर तकरीबन घायलों की संख्या लगातार बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 7 से 8 घायल लोगों को यहाँ पर लाया गया था, 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उसके बाद जो घायल की संख्या थी वो लगातार बढ़ने की आशंका, क्योंकि घटनाएं बहुत बड़ी हो चुकी है। जो होटल के मालिक है राहुल अग्रवाल, उनकी कहीं ना कहीं कमी साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि देखिये सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इतना बड़ा होटल अगर खोल रहे हैं तो उसमें इमरजेंसी। अगर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप नजर बनाए रखिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम।